सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज सीबीएसई क्लास 10 12th जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स 2022 में, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। गाइज सीबीएसई ने एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया है। एक बड़ा सर्कुलर जारी हुआ है। आप मामले की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि ये जो सर्कुलर, ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये 22 पन्नों का है, ठीक है, और ये डायरेक्ट रिलेट करता है आपके टर्म वन एग्जाम से। तो गाइज ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको मोटे तौर पर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिन पे आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है, वो मैं सारे डिटेल्स दे दूंगा। तो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस, अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम आपको देते हैं सबसे ऑथेंटिक अपडेट सबसे फास्ट। तो गाइज यहाँ पे ये मैं आपको अपडेट पहले ही दे देता, पहले मैं आपको बोल दूँ, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से और कुछ पर्सनल रीजन से मैं आपको नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है कि टर्म वन एग्जाम्स को लेकर के सीबीएसई ने काफी पहले से अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी। हम सभी जानते हैं 16 अगस्त को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कि मैंने भी आपको अपडेट दिया था कि जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं इंडिया में या अब्रॉड में, सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, प्रिंसिपल्स को सीबीएसई ने यह आदेश दिया था कि हर स्टूडेंट का बकायदा ऑनलाइन फॉर्म भेजें, चाहे जैसे भेजें, लेकिन हर स्टूडेंट का फुल डिटेल्स उनके पास में होना चाहिए, ताकि जब स्कूलों के पास में होना चाहिए, ताकि जब सीबीएसई मांगे तो ये लोग डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिशन कर सकें। तो गाइज अब वो समय आ गया है बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, टर्म वन बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब सीबीएसई ने तमाम जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनके हेड्स को एक लेटर लिखा है और मांग की है ये पूरे डिटेल्स की, यानी कि एलओसी की, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स गाइस जो है वो नेचुरल है, अब मांगा जा रहा है, और सीबीएसई खुद कह रही है सर्कुलर में कि टर्म वन बोर्ड एग्जाम जो है वो अब आपका बहुत जल्द होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट थिंग। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिट तो करेंगे स्कूल वाले ऑनलाइन वे में, लेकिन बच्चों आप लोगों को भी सबको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें आप लोगों से एक बहुत बड़ा चीज करवा लिया जा रहा है। ये जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आपका किया जाएगा स्कूलों के द्वारा, वो आपसे डिटेल्स लिया जाएगा। अगर आपके स्कूलों ने अब तक आपसे डिटेल्स नहीं मांगा है तो आप लोग खुद से अप्रोच करो अपने स्कूल को और डिटेल सबमिट कीजिए। अब खास बात एक और है, यहां पे स्कूल एक तरह से आपको फंसा दे रही है या सीबीएसई फंसा दे रही है। कैसे? उसमें एक आपका सिग्नेचर है, एक आपके फादर मदर का सिग्नेचर है, और वो इसलिए मांगा जा रहा है, इस सर्कुलर के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट, फादर, मदर। व्हाई? बिकॉज मतलब कंफर्म हो जा रहा है, ये तीन साइन कर रहे हैं कि जो डिटेल्स भरा गया है वो एकदम सही है और बाद में करेक्शन का कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, करेक्शन बाद में नहीं होगा। अगर आपका स्पेलिंग गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत हो जाता है, या आप गलत कुछ भी कर देते हो या गलत चेक करते हो, जो स्कूलों ने भरा या आपने भेजा और फाइनल चेक में आपसे मिस हो गया, तो ये करेक्शन विंडो इसके लिए ओपन नहीं होगा। अब खास बात यहां पर यह है गाइज कि सीबीएसई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्कूलों को। मैं आपको बता दूं कि ये जो एलओसी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये सभी स्कूलों को जमा करना है, एफिलेटेड स्कूल्स को जमा करना है 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, ठीक है। इसका ऑब्वियसली बात है, एलओसी जमा करने का कुछ फीस भी है, ठीक है। क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनका 1500 रुपये लगेगा फॉर 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिल्ली स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, एससी एसटी कैटेगरी के, उनको 1200 रुपये लगेगा फॉर 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपका लेट होता है तो 2000 रुपये लगेगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्लास 10 का है, 12 का है 1500 रुपया फॉर 5 सब्जेक्ट्स, 1200 रुपया 5 सब्जेक्ट का एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फीस अलग से लगेगा आपको 150 रुपया पर सब्जेक्ट का, और अगर आप लेट फाइन होता है तो फिर आप वहां भी 2000 जोड़ लो। अब यहां पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एलओसी जमा करने का जो फीस जमा करने का डेडलाइन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने का डेट क्या है, 15 सितंबर से 30 सितंबर, और जो एलओसी का जो फीस है, पेमेंट है, वो जमा करने का डेडलाइन है 17 सितंबर से 1 सितंबर तक के अंदर में, ठीक है। और अगर किसी का छूटता है और लेट फाइन वगैरह के साथ जमा होता है तो वो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में स्कूलों को जमा करना होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि एकदम ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बहुत सावधान रहिए, और स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड चेक करना है कि कहीं कोई स्टूडेंट किसी अदर बोर्ड के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वे में जमा होगा गाइज, ये एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। हार्ड कॉपी स्कूलों को नहीं भेजना है सीबीएसई को, ये भी इंस्ट्रक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया जाएगा और इस पूरे चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी
नज़र रखी जाएगी सीबीएसई के तमाम जितने भी आप लोग के एरिया के रीजनल ऑफिसर्स हैं सीबीएसई के उनके द्वारा। तो गाइज यहां पे बहुत आपको फोकस होकर के करना है क्योंकि टर्म वन एग्जाम से जुड़ा हुआ वाला मामला है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को रोज रोज नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका छूटा है तो आप उसे देख लो, आपके 5 सब्जेक्ट कौन से हैं और एडिशनल सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो वो कौन सा है, उसका भी आपने पैसा दे दिया है, ये सब चीजों पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। अब रही बात कि टर्म वन बोर्ड एग्जाम आपके डेट्स कब तक होंगे या एग्जाम डेट कब तक आ जाएगा, तो अभी थोड़ा सा टाइम है एग्जाम डेट देने में, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी मुझे लगता है हो सकता है 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर में आप लोगों का एग्जाम डेट निकल जाए, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आएगा हम आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर देंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर सेशन की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इजिली, कोई परमिशन की भी जरूरत मांगने की जरूरत नहीं है। तो गाइस बस बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, दूसरे को भी शेयर जरूर करने के लिए मोटिवेट कीजिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ में, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।